दोस्तों, स्कॉलरशिप की आपको मैं बताता हूँ, कुछ लोगों का आया कुछ लोगों का नहीं आया। ये घनश्याम सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, उनका नहीं आया। एक मोहम्मद इरशाद खान हैं, उनका नहीं आया, DWO से वेरीफाई हो गया है। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप बीएड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल आप BA BSc के स्कॉलरशिप की बता दे रहे हैं LLB वालों की। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबकी बताने वाला हूँ। देखो भाई, बात ऐसी रहती है, बात होती है फ़ंड की। अगर आपके पास PMS से एक मैसेज आता है जो स्टेटस चेक करने का, अगर वो आपका सक्सेसफुल है तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो इस बात के लिए। भाई इधर मैं बैठा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, चिंता मत करिए। बस भड़बड़ाइए मत, थोड़ा वेट कर लीजिए, एक हफ्ते का इंतजार कीजिए, आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, पक्का मिलेगी। और जो बीएड वाले कह रहे हैं बीएड वालों की नहीं आ रही, भाई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं कि बीएड वाले फर्स्ट ईयर्स की, कुछ बंदों की हाँ नहीं आई है, जहाँ तक है जनरल वालों की नहीं आई है, लेकिन OBC ST वालों की आ चुकी है, उनमें से भी कुछ की नहीं आई है। जैसे हमारे एक मोहम्मद इरफान खान सब्सक्राइबर हैं, उनका हमें कमेंट आया कि उनकी नहीं आई है। कुछ लोगों का DWO से वेरीफाई हो गया लेकिन नहीं आई। तो आप लोग चिंता मत करो यार, बात रहती है फ़ंड की, अगर आपका फ़ंड है तो आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि आप यार जो जनधन खाता जो है ना, स्कॉलरशिप उसी में आ रही है, जो जनधन खाता जिसने खुलवाया है। अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड जनधन खाते से लिंक है तो आप यार अपने घर भर के पूरे खाते चेक कर लो, किसी में भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पासबुक लगाई है उसी में आए, ज़रूरी मत समझो। बहुत लोगों ने मुझे बताया कि मेरे चंदन खाते में आई है, जो पासबुक लगाई उसमें नहीं आ रही है स्कॉलरशिप, चंदन खाते में आ रही। तो एक बार भाई जाओ और अपने मम्मी का, पापा का, भाई का, जो भी अकाउंट है ना चंदन खाते का, उसमें एक बार चेक कर लेना, क्या पता उसमें आ गई हो। और इसके बाद भी अगर नहीं आ रही है तो थोड़े 5-7 दिन का वेट कर भाई, एकदम से नहीं आ जाएगी, कतई थोड़ा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। क्या है, पैसे रहते हैं भाई, जैसे पैसे गवर्नमेंट भेजेगी वो आपको भेज देगा। अगर PMS से ओके है ना तो आपका स्कॉलरशिप कोई नहीं रोकेगा भाई। और हाँ भाई, आपको मैं पूरी अपडेट दूंगा, चाहे बीएड वाले हों, बीए वाले हों, बीएससी वाले, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन नहीं दबाते हैं, वीडियो देख के बस भाग जाते हैं। तो भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो और लाइक करा करो वीडियो को, जिससे मुझे पता चलता है। अगर कोई समस्या होती है तो भाई कमेंट करके पूछ लो, तुम्हारा भाई बैठा है, चाहे बीएड वाला हो, बीएससी बीए वाला, सबको बताऊंगा भाई, चाहे LLB वाले बंदे हो। तो भाई जहाँ तक बात की जाए किस किस की आ गई है, तो प्रायोरिटी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जितने भी सरकारी कॉलेजेस या सरकारी संस्था के बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप 100% आ चुकी है। उसके बाद गवर्नमेंट के बाद आते हैं, कुछ होते हैं अर्ध सरकारी, है ना, जो अर्ध पोषित होते हैं, उनकी आज उनकी आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जब थर्ड नंबर पर आते हैं प्राइवेट, जो प्राइवेट वाले हैं ना उनको थोड़ा टाइम लग जाता है आने में, लेकिन जहाँ तक है अगर आ रही है तो उनकी भी ज़रूर आएगी। तो आप लोग प्लीज़ यार चिंता मत करो, ज़्यादा ज़्यादा 5 या 7 दिन का वेट कर लो, ज़रूर आएगी स्कॉलरशिप। अभी डेट उसकी ख़त्म नहीं हुई है, लास्ट डेट उसकी बढ़ चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो वेबसाइट पर जाकर चेक करें, ठीक है। बाकी भाई बैठा है ना यार, क्यों चिंता कर रहे हो, बीएड वालों की भी आएगी, बीएससी वाले, बीए, बीकॉम, LLB सबकी आएगी, चिंता मत करो, किसी की स्कॉलरशिप रुकने वाली है नहीं। हाँ लेकिन यह है SC ST OBC वालों की फटाफट आ रही है, जहाँ तक है जल्दी देखने को मिल रही है, और जनरल वालों की थोड़ी देर लग रही है। तो चिंता मत करो, आपकी भी आ जाएगी। बस जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।